हाय एवरीवन, आज हम फिर से घर से निकल चुके हैं एक नए मैजिक कॉन्फ्रेंस के लिए। और फाइनल देख सकते हो, आज मेरे साथ है तुहिन, मुश्ताक और मैं, और हमारे साथ है ड्राइवर। सो हम जाने वाले हैं यार, अभी घर से निकले हैं, 10-15 मिनट हुए हैं, 10 बजे से शुरू होने वाला है, बट एक्चुअली हम घर से निकले हैं 10:10 पे। कितनी टाइमिंग की हमें नॉलेज है देख सकते हो। तो यार एक्चुअली रात को नींद नहीं हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो फाइनली हम निकल चुके हैं। तो चलो यार देखते हैं कितना टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, 11:30 बजे लग ही जाएगा वहाँ पर पहुँचने में, तो 1.5 घंटा लेट हो जाएंगे हम लोग। तो यार चलो रास्ते में हैं, अब जाते हैं। आप भी इस ब्लॉग के साथ बने रहो, बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टी टाइम, तो फाइनली हम रस्ते में रुक के चाय पी रहे हैं। और देख सकते हो चाय की दुकान, ये वेस्ट बंगाल की चाय की दुकान है, और हम लोग चाय पी रहे बैठ बैठ के। अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को, तो जल्दी से जल्दी पी के निकलना है। तो यार चलो चाय पी लेते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी तक फाइनल जगह पर नहीं पहुंचे हैं, बट पार्किंग किया अभी। देख सकते हो सब उतर रहे हैं, बैग वगैरह ले रहे हैं। तो चलो अब हम जाते हैं आगे और देखते हैं कहां पर ये हमारा मैजिक का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो यार चलो आगे मिलते हैं। Thank you.
तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग गया था जिसकी वजह से मैंने खा लिया हम लोगों ने, और फाइनली 2:30 बज गया है और हम बहुत लेट से आए थे जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिखा पाए। और अभी हम जाने वाले हैं घर, तो हम अभी जाने वाले हैं कार पार्किंग के पास कहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कार रखा हुआ है। तो चलो अब हम चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। और ये है हमारा सीढ़ी, हमारे घर से कम से कम 2 घंटे का रास्ता है। ये गाड़ी निकलेगा कैसे देखो भाई, देखो इतनी सारी गाड़ी लग गया है, अब ये कार निकालना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से निकाले इसको, हमारा जो फरारी है वो देखो पीछे पड़ गया है, और ये हमारा नया फरारी है गाइस, आप लोगों को मैंने बताया नहीं था। और ये मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए लिया है, यानी कि सीखने के लिए ये मैंने कुछ दिन पहले बाय किया। तो एक्चुअली आप देख सकते हो पीछे लग गया है, अब इसको बाहर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे पीछे बहुत सारा कार लगा हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके से इसको बाहर किया जाए। अभी हम रुक गए हैं बीच रास्ते में क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्यास लग गया है, और तो अभी ट्विन आने वाला है तो हम पियेंगे और जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और एसी तो गाड़ी में है नहीं, तो इसीलिए पंखे में काम नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो देखो आ गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा स्प्राइट पी लेते हैं।